कलर का बेसिकली होता है, जब पक जाता है ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें आज हम लोग आए हुए आमों के शहर मलिहाबाद में, और इस समय हम खड़े हुए हैं एक बाग में जो कि हमारे प्रिय मित्र मोहित भाई की बाग है। तो आइए आपको घुमाते हैं इस बाग में, और जितने भी प्रकार के इस बाग में आम लगे होंगे वो सब आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग में, और हमारा सहयोग देने के लिए हैं मोहित भाई हमारे। तो दोस्तों अभी साहिल भाई आ चुके हैं बाग में और बाग घुमाने वाले। जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे बाग पेड़ में सिर्फ आपको पत्ते ही दिख रहे होंगे। एक्चुअली इस बार जो आम बहुत ही कम आया था, नाम मात्र का आया था, मान लीजिए 20% आम आया था। तो जो आया था उसको मैंने तोड़ लिया क्योंकि आसपास के बागों में आम आया नहीं था, तो चोरों का डर, बाकी यहाँ कौन रुकेगा 20% आम के लिए, तो तोड़ लिया था। जो बच्चे रखे गए थे खाने पीने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको चार प्रकार के आम जो है मैं दिखाऊंगा इस बार। तो दोस्तों जैसा कि भी मोहित भाई ने बताया कि आइए यहाँ पे कम अभी तो आम लगे हुए हैं, तोड़ लिए गए थे, तो जितने भी चार प्रकार के बता रहे मोहित भाई लगे हुए हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं वे चार प्रकार के आम इस बाग में। तो यहाँ पर देखिए ये तो यह खराब आम लगा फट गया है। इधर देखो ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं आम, मतलब ये छोटे छोटे थे, इतने साइज में छोड़े गए थे जब तोड़े गए थे। अब देखिए इसका साइज बड़ा हो गया, अगर पानी बरस जाता तो ये भी काफ़ी बड़े हो जाते। जैसे ये आम छूटा हुआ, ये छूटा हुआ है, ऊपर के आम छूटे हुए हैं, तो ऐसे 25 से 30 आम हर पेड़ में छूटे हुए हैं। तो मतलब ये खाने पीने भर के बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। इनके नाम क्या है? इसका नाम दशहरी है। दशहरी है। अभी चलते हैं दूसरी बाग की तरफ, मतलब दूसरे पेड़ की तरफ। ये मेरे बाग का सबसे बड़ा पेड़ है और इस पेड़ का नाम है रामकेला। रामकेला तो बेसिकली ये अचार बनाने वाला आम होता है जो काफ़ी हैवी हो जाता है, और ये लास्ट में मतलब पकता है, जब सारे आम गिर जाते हैं उसके बाद ये पकना स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। अगली बार इतना था कि मतलब पत्ते कम आम ज़्यादा थे। तो अभी मैं दो चार आम आपको दिखाऊँगा जो लगे हुए हैं। देखिए साहिल भाई कहीं आपको आम दिख रहे हैं इसमें? हमें तो दोस्तों आप लोग देखिए इसमें आम वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए रामकेला का एक ये पीस लगा हुआ है, एक ये पीस लगा हुआ है ना, दो पीस लगे हुए ये, और उधर तीन पीस लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं लगे हुए, बस मुश्किल से एक या दो आम लगे हुए हैं। एक दो किलो ये देखिए, बस इतने ही हैं जितने हैं। अब आपको मैं ये दो वराइटीज़ हो गई, मैं तीसरी वराइटी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आम, देखिए ये है हुस्नहारा। हुस्नहारा ठीक है, और ये तीन कलर का बेसिकली होता है, जब पक जाता है ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। अभी ये कच्चा, इसमें तो बेसिकली बहुत आम आया था, लेकिन जो मैंने तोड़ लिया है तब भी इसमें इतना आम छूटा हुआ कि खाने भर का तब भी बहुत है। नीचे इधर देखेंगे तो सब आम ही लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ये इतना लगा हुआ है कि मतलब कि हम खा नहीं पाएंगे, बहुत सारा लगा हुआ है। तीन पेड़ हैं, तीनों पेड़ में एक ही छूटा हुआ आम है। तो ये हो गए तीन वराइटीज। अभी एक और वराइटी बचा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर चलेंगे और साहिल भाई तुमको जो है आम खिलाते हैं पहले। जी दशहरी पका हुआ। तो दोस्तों अभी आपको हम लोग ने तीन प्रकार के आम दिखा दिए, तो आइए अब जो हमारा आखिरी वैरायटी का आम बचा है उसको देखते हैं। वो हमारे लखनऊ शहर के नाम से भी है, और वो जो चौथा है हमारा आम वह हमारे लखनऊ शहर के नाम से है। तो आइए पता करते हैं उसका नाम और उस आम को देखते हैं। लखनऊ उसका नाम है, उसका नाम है लखनऊआ आम। तो आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग आम तोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एक बांस की लगी होती है इसका, और देखते हैं इसमें कहाँ पे पका हुआ आम लगा हुआ है। अभी तो हम लोग तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने और मोहित भाई ने आपको तीन प्रकार के आम दिखाए थे, और जो हमारा चौथा आम था लखनऊआ आम, तो अभी उसको दिखाते हैं और मोहित भाई बताते हैं, बताएंगे इस आम के बारे में। तो ये जो आप पीछे वाला पेड़ देख रहे हैं यही हमारा लखनऊआ आम का पेड़, तो आइए आपको दिखाते हैं।
इतना अच्छा नहीं होता, मीठा नहीं होता, लेकिन पाल का एक नंबर का होता है, दशहरी का भी ये फेल कर देगा। और ये दशहरी जब पूरा ख़त्म होने पे आता है, समथिंग ख़त्म होने वाली होती है, 90% ख़त्म होती तब ये पकना स्टार्ट होता है। अभी मंडी में जाओगे तो पाल का आना शुरू हो गया है। ये देखिए इसका भी कम आया हुआ है, हर डाल पे इसमें इतना आम आता है कि इसमें लगभग 2-3 कैरेट इस छोटे से पेड़ में निकल आएंगे, लेकिन इस बार नहीं आया कुछ। तो आइए आगे की तरफ आपको बाग का नज़ारा दिखाते हैं, जब तक हमारे मोहित भाई आम को तोड़ रहे हैं। तो ये कुछ मोहित भाई की बाग का नज़ारा है आम की, तो आप लोग इंजॉय करिए हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मोहित भाई ने आम तोड़ा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर रख रहे हैं संभाल के। तो आइए अभी बातचीत कराते हैं अपने मोहित भाई से, कब से उनकी बाग है ये और कब से वो मेहनत कर रहे हैं। और इनका खुद का मोहित भाई का यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और अपने मोहित भाई के चैनल का जो लिंक होगा वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं वहाँ से मोहित भाई के चैनल को। और इनके जो चैनल का नाम है वह नाम है माई स्मार्ट ब्लॉगर। तो आइए अब बात कराते हैं अपने मोहित भाई से। तो दोस्तों ये हमारे मोहित भाई हैं, तो मोहित भाई आप कुछ बताइए। क्या बताएं, पूछो जो पूछना पूछो, मैं बताऊं। तो भाई आप बात कब से है आपकी ये बात? तो यार बहुत मतलब पुरानी, मैं छोटा सा था, वही 5-6 साल का, मेरे सामने ही पेड़ रखे गए थे, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे पेड़ हो गए, लगभग 25 साल के हो गए पेड़। हाँ, तो लगभग भाई पूरी बाग में कितना आम निकल आता है? लगभग आम निकलने को आया तो 200-300 कैरेट भी निकल आता है, जैसे इस बार है नहीं आम आया तो सिर्फ 85 कैरेट निकला। अच्छा जी, निकलने पे होता है पेड़ कितना देता है, और परवरिश पे होता है कैसा, मतलब कितना आप पानी दे रहे हैं, खाद कितना दे रहे हैं समय समय पे। अब बगल वाली बाग देख लो, उसमें पानी नहीं लगा, मतलब सूखा पड़ा हुआ है। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, कितना आप मेहनत करते हो। बाग की धुलाई भी होती है समय समय पर, अभी कितनी सारी धुलाई हुई है, अभी आम टूटने के बाद उसमें पानी भी लगेगा, धुलाई भी होगी, बरसात में खाद भी पड़ेगी, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और इस बार तो यार ऐसा है कि मतलब कि जितना पेमेंट लगा है, जितना पैसा लगा उतना वापस भी नहीं आ रहा है। जिस बाग में जो है 100 या 150 कैरेट निकलना चाहिए, उसमें 10-20 कैरेट निकल रही, तो कुछ नहीं निकल रहा है। लोगों ने तो पानी भी नहीं लगाया इस बार बागों में। तो दोस्तों ये हमारी कुछ बाग से रिलेटेड डिटेल्स थी, और आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी दोस्तों, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उसमें
मिक्सअप कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेंट है, मतलब कि जैसे कि आपका मिल जाएगा लखनऊ के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी मिलेगा, अदर स्टेट के मिलेंगे, मैंने जैसे 12 स्टेट ट्रेवल किया है वहाँ के आपको मिलेंगे, हिचाइकिंग के वीडियो मिलेंगे, हिस्ट्री प्लेसेस मिलेंगे, बाकी टेंपल्स वीडियो मिलेंगी, फनी वीडियो भी मिलेंगी, विलेज वाले भी मिलेंगी, और आम का सीजन चल रहा है अगर आम के भी वीडियो देखने तो वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे व्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।